नमस्कार दोस्तों, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो यह प्रश्न आपको जरूर परेशान करता होगा कि अपना मकान कब बनेगा। मेरे भाग्य में खुद के मकान का योग है भी या नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हथेली में खुद का मकान वाली लाइन कौन सी रहती है। अपन लिखते हैं खुद का मकान। खुद का मकान वाली लाइन कौन सी रहती है और यदि लाइन है तो वह मकान किस उम्र में बनेगा। आज यह बात मैं आपको हस्तरेखा से भी समझाऊंगा और कुंडली से भी समझाऊंगा। इसके अलावा मकान न बन पा रहा हो तो क्या उपाय करें, उपाय भी। तो अपन लिख देते हैं उपाय भी। मुझे आपको उपाय भी बताना है। देखिए, जिस तरह से विवाह योग्य हो जाने पर भी बहुत से लोगों का विवाह नहीं हो पाता, वैसे ही मकान है, बहुत से लोगों का नहीं बन पाता। कुछ लोगों के तो भाग्य में ही किराए में गुजर बसर करने का लिखा रहता है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि जिसका अपना मकान नहीं रहता वही किराए के मकान में रहता है। जिनका खुद का मकान रहता है वो भी किराए के मकान में रहते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खुद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, दुनिया उनको करोड़पति कहती है, लेकिन रहते किराए के मकान में हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा नहीं रहता, हाथ में स्वयं के मकान का योग नहीं रहता, लेकिन एक सनक सवार रहती है कि अपना मकान बनाना है। एक ये सनक है, ये मकान बनाना है, ये सनक है और बना लेते हैं। योग नहीं था फिर भी तुमने बना लिया तो यह है कर्म। और पैसा रहते हुए भी अपने मकान में रहने का सुख नहीं भोग पाए तो यह है भाग्य। और जो इस समस्या का निवारण कर दे वो है ज्योतिषी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं हाथ में खुद का मकान वाली लाइन कैसी रहती है। जिनकी हथेली में 3, 5, 7 या 9 चक्र होते हैं उनका स्वयं का मकान होता है। तो ये जो चक्र है, ये जैसे सभी अंगुलियों में, यहाँ आपको मैंने चक्र बता दिया है, तो ये जो चक्र हर किसी के हाथ में, हर सभी उंगलियों में नहीं रहता। कुछ लोगों के हाथ में 3 उंगली में चक्र रहता है, कुछ लोगों के हाथ में 5 उंगली में चक्र रहता है, किसी के हाथ में 7 उंगली में चक्र रहता है, किसी के हाथ में 9 उंगली में चक्र रहता है। तो जिनके भी भाग्य में आपको 3 उंगली में या 5 उंगली में या 7 उंगली में या 9 उंगली में चक्र मिलेगा तो उनका निश्चित रूप से स्वयं का मकान बनता है। जिनकी हथेली में 3 मणि बंद रेखा स्पष्ट दिखती है उनका भी खुद का मकान होता है। ये जैसे कि मैंने चित्र में बताया है, ये मणि बंद रेखा है जो हथेली के ठीक सामने में रहती है कलाई के ऊपर। तो ये जो मणि बंद रेखा है, जैसे मैंने लिखा भी है मणि बंद रेखा ऐसे करके, तो ये जो मणि बंद रेखा है यदि किसी के हाथ में स्पष्ट रूप से दिखती हो, तीन मणि बंद रेखाएं दिखती हो, तो हर हाल में उसका मकान बनता ही है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, जिनके अंगूठे में यहाँ पर तिल हो, ये आप देखेंगे ये जो अंगूठा है ना, यहाँ पर तिल रहता है, यहाँ पर इस तरह से यदि तिल हो, जहां पर मैंने पेन की नींव रखी है, तो यदि यहाँ पर तिल हो तो व्यक्ति का निश्चित रूप से अपना मकान बनता है और उसको खाने पीने का सुख भी अच्छा रहता है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोगों के कंठ में 3 लाइनें रहती हैं। तो ये कंठ में लाइन का रहना व्यक्ति को बहुत आरामदायक जीवन, सुखी जीवन, भाग्यशाली जीवन तो देता ही है, खुद के मकान का योग भी देता है। तो इस बात को आप बिल्कुल निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। इसी तरह से मेरे दोस्तों, जिनकी भाग्य रेखा हथेली के शनि पर्वत पर 2 भागों में विभाजित होती है, तो जैसे कुछ लोगों के हाथ में जो भाग्य रेखा है ना, वो इस तरह से जैसे आ रही है, ये आ रही है इस तरह से,
तो यहाँ पे वो दो भागों में विभाजित होती है इस तरह से। तो इस तरह से यदि दो भागों में शनि पर्वत पर कोई भाग्य रेखा विभाजित होती है तो उसका अपना मकान निश्चित रूप से बनता है। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति की हथेली में ये जो है ये मिडल फिंगर है, मध्यम उंगली है, तो मध्यम उंगली में सिर्फ एक चक्र हो, मतलब दसों उंगली में चक्र न हो, सिर्फ एक उंगली में चक्र हो, और वो कौन सी, मध्यम उंगली में, तो भी उसका मकान बन जाता है। अच्छा, मस्तिष्क रेखा में त्रिभुज हो, जैसे कि आप देखेंगे ये जो मैंने निशान बनाए हैं, मैंने लिखा भी है मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज, ये एरो बना दिया है, तो ये जो त्रिभुज है यदि ऐसा हो मकान, तो ये त्रिभुज हो तो मकान का युग बनता है। तो ये जो त्रिभुज जो देता है ये मकान, ये किस उम्र में देता है, 35 के बाद देता है, 35 की उम्र बाद मकान का योग देता है। जीवन रेखा से एक रेखा जब अंदर की ओर आ रही हो, जैसे कि आप देखेंगे हथेली में ये जो जीव लाइफ लाइन है उसमें से एक रेखा निम्न मंगल की तरफ आ रही है, यहाँ पे एक लाइन शुक्र पर्वत की ओर अंदर आ रही है, तो इस तरह से जब अंदर आती है तो ये भी मकान का योग बनता है। तो इस उम्र में जहां पर भी जो भी उम्र बनती है तो उस उम्र में मकान बनता है। जैसे फर्ज करिए आप यहां से आप ऐसा एक लकीर खींचेंगे यहां पर इस तरह से, तो यहां पे 25 की उम्र बनती है, 25 की उम्र बनती है, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर 25 की उम्र या 27-28 की उम्र मान के चलिए, तो 27-28 की उम्र में मकान का योग यहां पर ये बन रहा है। लेकिन यहां पर जो लाइन अंदर की तरफ आ रही है, तो ये मानकर चलिए कि यह ये जो मकान बन रहा है ये करीब 60 की उम्र में बन रहा है, जो अंदर में आई लाइन आ रही है। तो इस तरह से ये मकान के योग को ये वाली लाइन बताती है। यदि आपके मुंह में 32 दांत हैं तो भी खुद के मकान का योग बनता है। हथेली में बड़ा त्रिभुज हो, ये जो स्वास्थ्य रेखा है स्वास्थ्य रेखा को लेकर के जब एक लाइन हृदय रेखा तक जाती है तो ये बड़ा त्रिभुज कहलाता है। ये जो बड़ा त्रिभुज यदि किसी के हाथ में बनता हो तो ऐसे लोगों का जो मकान है वो नियर अबाउट 28 की उम्र में बन जाता है। तो यहां पे हमने लिखा 28 की उम्र के आसपास ऐसे लोगों का मकान बन जाता है जिनके हाथ में ये बड़ा त्रिभुज रहता है। तो मेरे दोस्तों, यह तो आपने जाना मकान के योग को हस्तरेखा से, पर यदि जन्म कुंडली से जाना ना हो तो इसे कैसे जानेंगे? तो इस पर हमको ये जो जन्म कुंडली मैंने बनाई है हमको उस पर आना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं जन्म कुंडली की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं यह जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है। मकान और वाहन का अध्ययन इसी से होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मकान। अच्छा, चंद्रमा जो है वो चौथे भाव का फोर्थ हाउस का कारक ग्रह होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये चंद्रमा ये कारक ग्रह ये फोर्थ हाउस का कारक ग्रह होता है। इस प्रकार मकान का योग जानने के लिए चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा ये तीनों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जैसे हम ये कहेंगे चतुर्थ भाव तो ये चतुर्थ भाव हो गया, चतुर्थेश ये शनि हो गया, ये चतुर्थेश का स्वामी शनि ये हो गया, और चंद्रमा इसका कारक ग्रह ये हो गया। तो ये तीनों का अध्ययन एक साथ करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैंने ये जो तुला लग्न वाली कुंडली बनाई वो एक डेंटल सर्जन की है, महिला डॉक्टर की है। हम उसकी कुंडली से आज इस बात का अध्ययन करेंगे कि उसकी कुंडली में मकान का योग कैसे बना है, कितना अच्छा बना है और कितना कमजोर बना है, इस बात का अध्ययन हम इनकी कुंडली से करने जा रहे हैं। आप यहां देखेंगे ये चतुर्थ भाव का स्वामी शनि केंद्र में भी है और उच्च में भी है,
ये उच्च का है शनि, ये शनि उच्च का है। चतुर्थ भाव पर, ये चतुर्थ भाव पर बुध और शुक्र, ये जो ये बुध है और ये शुक्र है, तो ये बुध शुक्र और ये शुक्र सूर्य है, तो सूर्य तो उतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन बुध और शुक्र शुभ ग्रह माने जाते हैं, ये क्रूर ग्रह माना जाता है सूर्य। तो हम शुभ ग्रह में गिनती करेंगे तो बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि ये चौथे भाव पर आ रही है। इस प्रकार से हमने चतुर्थ भाव और चतुर्थ शनि और चतुर्थ भाव इसका अध्ययन हमने किया। अब आते हैं चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा पर। ये चंद्रमा छठे भाव में बैठकर केमद्रु के योग बना रहा है। हालांकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, ये गुरु से ये जो चंद्रमा है ये केंद्र में है, पर यह गजकेसरी योग इसलिए निष्फल माना जाएगा क्योंकि जो चंद्रमा है ये शुभ ग्रह होते हुए भी त्रिक भाव में बैठा हुआ है। ये जो छठवां भाव है ये त्रिक भाव में आएगा, तो जो शुभ ग्रह होकर यदि कोई त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव का मतलब 6, 8 और 12 भाव, तो यदि कोई शुभ ग्रह त्रिक भाव में बैठ जाए तो वो अपना अच्छा फल नहीं देता है। तो इस वजह से भी ये जो चंद्रमा है ये अपना शुभ फल नहीं दे पा रहा है। उसके फिर बाद आप आ जाइए गुरु पर। गुरु और चंद्रमा जहाँ गजकेसरी योग बना रहे हैं तो वहाँ एक तरफ तो चंद्रमा शुभ नहीं है, दूसरी तरफ गुरु भी अशुभ नहीं है। गुरु शुभ क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु अकारक होता है, ये गुरु अकारक हो गया। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, यदि कहीं गुरु गजकेसरी योग बना रहा हो तो उसका गजकेसरी योग पावरफुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में गुरु अकारक ग्रह होता है और उस पर भी वो जो गुरु है ये केंद्र में नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। और ये तीसरे स्थान चूंकि अकारक ग्रह क्यों है? क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये तृतीयस भी है और षष्ठेश भी है, तो तृतीयस भी हो गया षष्ठेश भी हो गया, इसलिए ये अकारक हो गया। तो ये अकारक ग्रह और वो छठे भाव में बैठे चंद्रमा से गजकेसरी योग का बनना इस कुंडली में शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। उसके चलते इस ये जो महिला है उसके भाग्य में जो चौथे भाव का कारक चंद्रमा है वो बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ये जो महिला है उसको ये मकान बेचना पड़ जाएगा। इस महिला ने मकान बनाया है जरूर, लेकिन वो मकान का सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो सुखदाता चंद्रमा है वही अच्छा नहीं है। मेरे दोस्तों, अब हम लेते हैं कुंभ लग्न की पत्रिका को। ये कुंभ लग्न है, यह जातक पैसे से एडवोकेट है। ये गुरु और बुध की जो आमने सामने जो परस्पर दृष्टि है वो इसे बहुत अच्छा और उच्च दर्जे का एडवोकेट बना रही है। जब इस एडवोकेट का पर शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था तब इसका मकान बना है। इस कुंडली में चौथे भाव में शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई है, उसकी वजह से चतुर्थ भाव का जो महत्व है वो बढ़ गया है। चतुर्थ भाव अपने आप में बलवान हो गया है। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ भाव पर जब एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतने मकान बनते हैं। तो अब ये जो कुंभ लग्न की पत्रिका है उसमें शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं और एक तीसरा बृहस्पति जो है वो भी अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो इस तरह से तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव जो चौथे भाव पर पड़ रहा है तो वो ये बताता है कि आने वाले भविष्य में इसके एक मकान तो बन चुका है और दो मकान और बनेंगे। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के कितने मकान बनेंगे इसका एक धारणा, एक अनुमान
वो इस तरह से ज्योतिष में लगाया जाता है। अब आइए मैं बताता हूँ, मकान प्राप्ति में यदि बाधाएं आ रही हो तो क्या उपाय करना चाहिए। मकान प्राप्ति में बाधा, ये उपाय। अब हमको इस अपन को उपाय पर ही चर्चा करने की है। क्योंकि शनि स्थावर संपत्ति का कारक होता है, इसलिए अगर मकान बनने में बाधा आ रही है तो हमको शनि को निश्चित रूप से काउंट करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो वृष लग्न है, तुला है, मकर है, कुंभ है, ये जो चार लग्न है, वृष, तुला, मकर और कुंभ, इसमें शनि योग कारक होता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ, ये चारों में जो शनि है वो योग कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में मकान बनने में बाधाएं आ रही हो तो उस व्यक्ति को अपने शनि को अच्छा करने के लिए नीलम धारण करना चाहिए। अब ये नीलम किस अंगूठी में, किस उंगली में पहनने का होगा, तो मध्यमा उंगली में पहनने का होगा, कम से कम 5 कैरेट का चांदी में शनिवार के दिन धारण करने का होगा, तब जाकर के जो शनि है वो अच्छा होगा। तो जैसे ही शनि का प्रभाव अच्छा होगा तो वो मकान बनाने में काफी मदद करेगा। और एक दूसरा उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, यश प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलाम श्रेय माप्नोति श्रेय प्राप्नोति अनुत्तमम्। यहाँ अचलाम श्रेय माप्नोति का तात्पर्य अचल संपत्ति की प्राप्ति होना बताया गया है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि उसके मकान बनने में बाधाएं आ रही हैं और यदि वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो निश्चित रूप से मकान बनता है। अब मेरे दोस्तों, मकान प्राप्ति में उपाय के अंतर्गत जो ये तीसरा उपाय मैं बता रहा हूँ, ये और सबसे सरल है, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी सरल उपाय है। वो ये है, पुरुषों को चाहिए प्रातः नींद खुलने पर अपना दाया पैर पहले धरती में उतारें, मन ही मन यह बोलते हुए पैर उतारें कि मेरा मकान बन जाए, इससे उनको अपना अभिष्ट प्राप्त हो सकेगा। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।